दोस्तों, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है बहुत सारी स्टेट में जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, और हर रोज न्यूज में हमें जो है एक नई स्टेट का नाम सुनने को मिलता है, आज वहाँ लॉकडाउन लग गया अगले 15 दिन के लिए। और वहीं कुछ ऐसी भी स्टेट है जहाँ अप्रैल की स्टार्टिंग से लॉकडाउन है, और बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस बंद है, लेकिन जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं, चाहे वो होम लोन है, पर्सनल लोन है, ऑटो लोन है या बिजनेस के लिए लोन है, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अप्रैल के मंथ में जो है काम हो नहीं रहा था, रिवेन्यू आ नहीं रहा, तो ऐसे में मई में जो है किस तरीके से ईएमआई भरेंगे। और रिसेंट टाइम में जो अपडेट आ रही थी उसको देख के यही लगता था कि आरबीआई जल्दी से कुछ रिलीफ जो है आपको देने वाला है। तो आज सुबह जो है आरबीआई गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई है, लेकिन उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके लिए एक पॉइंट जो है खास है, जिसके अनाउंसमेंट की है आरबीआई ने, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, जिसके तहत आप जो है 2 साल तक का मोरेटोरियम ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप धरा, आप सब देख रहे हैं टेक बुद्धि। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मोरेटोरियम लेना चाहते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग लेना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो नीचे लाल में सब्सक्राइब का उसको जरूर दबाएं, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं चलो इतना प्यार देते हैं, लेकिन नीचे जो लाल में सब्सक्राइब का उसको दबाना भूल जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब करके जरूर दबाना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है कोई भाई ऐसा है जिसको ये अपडेट अब तक ना मिली, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर पूछे, क्योंकि आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पूरी डिटेल। आरबीआई ने जो अनाउंस किया रेजुलेशन फ्रेमवर्क 2.0, जिसके तहत आपको 2 साल तक का मॉरेटोरियम मिल सकता है, क्या क्या पूरी डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पर हूँ, और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नर की जो स्टेटमेंट है 5 मई 2021 की, यहाँ पर लिस्टेड है। या फिर आप प्रेस रिलीज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है 5 मई 2021 की जो भी जो सर्कुलर हो यहाँ पर दिख सकते हैं, प्रेस रिलीज हो दिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर गवर्नर की जो स्टेटमेंट है उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये जो पूरी स्टेटमेंट ओपन हो जाती है, इस स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नर ने कही हैं बताई हैं, लेकिन तो दोस्तों इस स्टेटमेंट जो सबसे ज़्यादा काम की हमारी चीज़ है वो है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, जो कोविड की दूसरी वेव है उसके चलते जो बिजनेस हैं या पर्सनल जो लोग हैं उनको जो ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, या माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनका कुछ इशू है फाइनेंस रिलेटेड, तो उनको रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का जो अनाउंसमेंट की गई है उनके लिए। लेकिन इसमें जो है 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, चाहे आपने पहले रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1 ले रखा था, नहीं ले रखा था, तीनों को ही इसमें कवर किया गया। तो अब जानते हैं पूरी डिटेल में, जो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, आपने कोई रिटेल लोन ले रखा है या आपका कोई छोटा बिजनेस है, एमएसएमई है, और एग्रीगेट एक्सपोजर जो है 25 करोड़ तक का है, और इससे पहले आपने कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग जो है नहीं ले रखी है, चाहे फिर वो जो फ्रेमवर्क 1.0 जो था 6 अगस्त 2020 को अनाउंस हुआ था वो नहीं ले रखा है, और आपका जो अकाउंट है स्टैंडर्ड है 31 मार्च 2021 तक आप जो है एलिजिबल हैं फ्रेमवर्क 2.0 के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग आपको मिल सकती है, प्रपोज फ्रेमवर्क आपको मिल सकता है 30 सितंबर 2021 तक। दूसरा जो कॉलम इसमें बताया गया, दूसरी जो रूल इसमें बताया गया वो ये है कि किसी ने जो बोरोवर है या किसी का स्मॉल बिजनेस था उसने रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेम 1.0 पहले ले रखा था, और उसमें जो है मोरेटोरियम जो 2 साल से कम का ले रखा था, तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन यानी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है उनको ये परमिट है कि उस ये जो विंडो उनके लिए मॉडिफाई कर सकते हैं, प्लान को जो एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं पीरियड को, और आपका जो रीशेड्यूल है टेन्योर उसको 2 साल तक कर सकते हैं, और बाकी जो कंडीशन है वो रिमेन जो है सेम रहती हैं। अब जो तीसरा जो इसमें बताया गया, उसमें ये बताया गया कि जो स्मॉल बिजनेसेस या एमएसएमईज हैं जिन्होंने पहले रिस्ट्रक्चरिंग ले लिया, वन टाइम मेजर जो रिस्ट्रक्चरिंग था वो ले लिया था, अब बैंकों को ये बोला गया कि जो उनका वर्किंग कैपिटल है, सेंशन लिमिट है, उसको रिव्यू करें बेस्ड ऑन द रीअसेसमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल साइकिल मार्जिन एक्स्ट्रा, तो उनको जो है वन टाइम जो मेजर के तौर पर इनको ये दे सकते। लेकिन उससे पहले जो है बैंक आपकी वर्किंग कैपिटल को जो है सेंशन लिमिट को जो है बेस्ड जो रीअसेसमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल साइकिल है मार्जिन उन सबको एनालाइज करेगा, उसके बाद ही आपको रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि आरबीआई ने जो अनाउंस किया फ्रेमवर्क 2.0, उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं,
क्या क्या उसमें उसने कंडीशन रखी है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को देखते देखते नीचे वाला लाल बटन दबाना भूल गए थे तो अभी दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर पूछें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को जो है ये अपडेट अब तक ना मिली हो, ये जानकारी अब तक ना मिली हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।